सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम। और जैसे कि आपको पता ही है कि फिर से 7 अक्टूबर को गणित विषय की मासिक परीक्षा होने वाली है, तो ये जो मासिक परीक्षा है ये पूर्व की भांति की है। इसमें भी 2 सेक्शन हैं, एक पर्सनल डिटेल्स का है और दूसरा जो क्वेश्चन पेपर होते हैं जो 10 क्वेश्चन हैं। लेकिन यहाँ पर हमने थोड़े से चेंजेस किए हैं क्योंकि इसमें क्या होगा कि अभी वैसे हम देख लेंगे डेमो टेस्ट के थ्रू इसमें क्या क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस बार ही बच्चे को अपने मार्क्स नहीं दिख पाएंगे। क्योंकि क्या हो रहा है कि बच्चे जब मार्क्स दिख रहे हैं उनको तो वो क्या कर रहे हैं, फिर से री अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर को। भले ही उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि मार्क्स वही माने जाएंगे जो कि उन्होंने सबसे पहले अटेम्प्ट किया होगा, लेकिन हो सकता है कि अगर हम ऐसा करें तो हो सकता है कि बच्चे अटेम्प्ट बार बार ना करें। तो देख लेते हैं कि हम क्या है इस डेमो टेस्ट में। तो जैसे आपके पास लिंक हमेशा की तरह आते हैं तो वैसे लिंक आएगा, एक वो लिंक आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास एक गूगल फॉर्म खुल के आएगा जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स सबसे पहले सेक्शन में एंट्री करनी होगी। देख लेते हैं, देखिए छात्र छात्रा का नाम आपको भरना रहेगा, इसमें छात्र छात्रा का नाम कैपिटल लेटर्स में भरना है, आपने ये ध्यान रहे। मन भर देता हूँ। विद्यालय का नाम आपको लिखना है, जैसे कि GIC है, GIC हमने लिख दिया भाई, खिरसू। विकासखंड ब्लॉक का नाम GIC खिरसू, खिरसू ब्लॉक में तो खिरसू यहाँ पर पिक कर लेते हैं। माता का नाम आपने लिखना है, माता का नाम सारी चीज़ें कैपिटल में रखनी है। मोबाइल नंबर आपने लिखना है, मोबाइल नंबर आपको बिल्कुल करेक्ट लिखना है, अदरवाइज वो उसको पिक नहीं करेगा। नेक्स्ट में जैसे ही आप गए तो आपके पास दूसरा जो पार्ट है, दूसरा सेक्शन है वो खुल के आएगा, जिसमें क्वेश्चन है कि चित्र में प्रदर्शित पुष्प उत्तराखंड के किस भाग में पाया जाता है, 1/4 को भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। इसके क्वेश्चंस के जो सीक्वेंसेस हैं ऊपर नीचे हो सकते हैं, जो ऑप्शंस हैं ऑप्शंस के सीक्वेंसेज ऊपर नीचे हो सकते हैं। दिग्गज हस्ती कौन है, भारत के वर्तमान राज्य वित्त राज्य मंत्री कौन है, IPL 2025 इसमें किया जा रहा है, ऐसे मतलब जो भी क्वेश्चन हैं इसमें। सेब का वनस्पतिक नाम है, दूरी आपने की कौन सी इकाई नहीं है, ठीक है। तो जैसे आप सबमिट करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा नोट करने जैसी चीज है कि सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। मतलब अगर बच्चे को फिर से रिअटेम्प्ट करना है उसी क्लास का क्वेश्चन पेपर, तो आपको फिर से लिंक में जाना पड़ेगा व्हाट्सएप पर और वहां से क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से हमने इस बार सारे रिस्पॉन्सेज बंद कर दिए हैं, ना ही बच्चे को कोई मार्क्स दिखेंगे। मार्क्स उसको जब सीट जैसे कि आपको पिछले महीने की भी BO महोदय द्वारा उपलब्ध करवाई गई होंगी वैसे ही फिर से उपलब्ध करवाई जाएगी। उसमें हम जो भी करेक्शंस होंगे वो करेक्शंस करके आपको अवेलेबल करवाएंगे हमारे जो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हैं उनके द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए और होपफुली सारे बच्चे इस बार अटेम्प्ट करें। काफ़ी वैसे हमारा जो परसेंटेज है वो लगभग 70-80% के बीच है पिछले माह में, जो हमने जहाँ तक हम बच्चों तक पहुँच पाए हैं। तो इस बार कोशिश रहेगी हमारी कि हम लगभग 70% बच्चों तक इस टेस्ट को पहुँचा पाएँ और बच्चे इस टेस्ट को अटेम्प्ट करें। धन्यवाद।